हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट राइट। तो आओ स्टार्ट करता हूँ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? तो इधर कंसाइनमेंट में दो लोग होते हैं राइट, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी राइट। कंसाइनी तो कंसाइनर मालिक होता है, आप इसको जेटरल बोल सकते हैं, जो अपने जिसने गुड्स बेचने के लिए एक एजेंट अपॉइंट किया है कंसाइनी। तो उसका एजेंट हो गया सुंदरलाल। कौन हो गया? सुंदरलाल। जिसके टाइप के ऊपर हम लोग ने सम भी सॉल्व किया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना उन लोगों का, उसको कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते हैं राइट। तो उसका फीचर डिस्कस करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं राइट। तो आ जाओ। तो कैसा दिया है? तो कंसाइनमेंट क्या होता है? गुड्स आर साइंड बाय कंसाइनर। कंसाइनर कौन? जेटालाल। किसको दे रहा है वो? अपना एजेंट सुंदरलाल को राइट। क्यों दे रहा है? ताकि प्रॉफिट के लिए, ताकि जो भी माल बेच के होगा वो कम, एजेंट को कमीशन मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो जो कंसाइनर होता है वो, उन लोगों का रिलेशन क्या है कंसाइनर और कंसाइनी का? प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल मतलब मालिक, एजेंट मतलब जो काम करने के लिए, जो कमीशन बेस पे काम कर रहा है। तो कंसाइनर कौन है? प्रिंसिपल है। कंसाइनर प्रिंसिपल है, कंसाइनी एजेंट है। गुड्स रिमेन दी प्रॉपर्टी ऑफ कंसाइनर। गुड्स का मालिक कौन रहता है, ओनरशिप कौन रहता है? कंसाइनर रहेगा राइट। ओनरशिप देयर बाय रिस्क इज दी टोटल स्टॉक इज विद दी कंसाइनर। मतलब पूरा रिस्क भी किसका रहेगा? कंसाइनर का रहेगा ठीक है। और कंसाइनर डज नॉट सेल द गुड्स टू कंसाइनी। वो उसको सेल नहीं करता, उसको देता है बेचने के लिए। कंसाइनर कैनॉट आस्क दी कंसाइनी टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स अनलेस दे आर सोल्ड। जब तक वो माल बेचेगा नहीं एजेंट, जब तक कंसाइनर मतलब मालिक उससे पैसा नहीं ले सकता। जब माल बेचेगा एजेंट सुंदरलाल बेचेगा, तब जेटालाल को पैसा मिलेगा। और कंसाइनी क्या करता है? एग्री करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि जो भी मैं माल बेचूंगा उस पर मैं कमीशन चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा? और कंसाइनी की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है टू पे द कंसाइनर अमाउंट रियलाइज। जो भी माल बेच के पैसा आएगा वो पूरा माल का पैसा किसको देगा? मालिक को देगा, कंसाइनर को देगा। और जो भी एक्सपेंस होता है कंसाइनी का, वो कंसाइनर उसको पे करेगा। और जो भी स्टॉक बचता है वो किसका रहता है? वो मालिक का रहता है ना, कंसाइनर का। तो ये तुम्हारा फीचर्स हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट का, एग्जाम में आ सकता है राइट। और ये ब्लैंक्स में आ सकता है, थोड़ा याद कर लेना। तो कंसाइनमेंट क्या है? किसके बीच में होता है कंसाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट? कंसाइनर और कंसाइनर और सेल, बायर और सेलर। कंसाइनी का रिलेशन क्या? एजेंट और प्रिंसिपल। और बायर डील विद सेलर एज ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। दोनों एक दूसरे के एक अपोजिशन पार्टी रहते। इसमें कंसाइनर क्या बनाता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। क्या बनाता है? प्रोफॉर्मा बिल, कि कितने का माल बेचा, ऐसा बिल बनाता है राइट। प्रोफॉर्मा इनवॉइस ऐसा होता है ठीक है, कि किसको बेचा, कितना क्वांटिटी बेचा, क्या रेट से बेचा, उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं ना। रफ इनवॉइस रहता है, कंसाइनी को दिया जाता है राइट। पर इधर सेल में क्या बनाता है? इधर नॉर्मली एक रेगुलर इनवॉइस, नॉर्मल बिल बनाता है। ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद कंसाइनर, मालिक के पास रहेगा कंसाइनर। पर इधर ओनरशिप किसके पास चला जाता है? बायर को। एक बार माल बेच दिया ना बायर ने, सेलर ने, किसको बेचा? बायर को। तो मालिक गुड्स का कौन हो जाता? बायर। कंसाइनी ऑब्टेन गुड्स फॉर अर्निंग कमीशन। जो कंसाइनी होता है एजेंट, इधर कमीशन के लिए काम करता है। इधर बायर क्या करता है? माल बेचेगा, रिसेल करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो ये तुमको पढ़ने का राइट। प्रॉफिट और लॉस बिलोंग टू दी कंसाइनर, इधर प्रॉफिट और लॉस बिलोंग टू दी बायर। तो ये तुमको डिस्टिंग्विश वाइज तुमको पढ़ के रखने का, एग्जाम में आ सकता है राइट। और एक अकाउंट सेल्स क्या दिया है? अकाउंट सेल तो ये क्या है? एक तरफ से प्रोफॉर्मा है, ये बिल है जो एजेंट बनाता है। कंसाइनी सेल द गुड्स, जो भी माल बेचता है ही सेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देता है किसको? कंसाइनर को, मालिक को। उसको अकाउंट सेल मिलते हैं कि कितना माल बेचा, कितना रुपए का बेचा। तो जो भी गुड्स बेच के पैसा आता है एजेंट मतलब कंसाइनी किसको देगा? कंसाइनर को। मतलब सुंदरलाल किसको देगा? जेटालाल को देगा, जेटालाल मालिक है ना। एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनी, कितना खर्चा हुआ, कमीशन कितना मिल रहा है, अमाउंट कितना देने का है कंसाइनर को, कितना उसने एडवांस दिया, कितना कैसा अमाउंट चेक से पे किया, वो सेटलमेंट का पूरा हिसाब किताब इसमें रहता है। उसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल्स। ये प्रोफॉर्मा भी बना देना स्पेसिमेन, तो मार्क्स मिल जाएगा राइट। पार्टी का नाम डाल देने का, जो भी माल लिख दो, खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, डाल देने का ठीक है, 5 मार्क्स ले आएगा। और एक टाइप और एक आंसर है तुमको याद करना पड़ेगा, डेल क्रेडिट कमीशन। तो ऑर्डिनरी कमीशन इज लाइक ए नॉर्मल कमीशन, इट इज़ अलाउड टू कंसाइनी फॉर ऑल कंसाइनमेंट फॉर सेलिंग गुड्स। जो भी वो माल बेचेगा उस पर कमीशन मिलेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्या है? इट इज अलाउड टू कंसाइनी ओनली व्हेन ही अंडरटेक्स अ रिस्क ऑफ बैड डेट्स। मतलब जो उधारी का माल बेच रहा है उसका अगर पैसा नहीं है तो उसका रिस्क के हिसाब से वो जो माल बेचेगा उस पर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो इधर रिस्क लिया जाता है। इन रिटर्न ऑफ दिस कमीशन कंसाइनी गारंटी ओनली प्रोसीड ऑफ कैश सेल। जो रोकड़ा में माल बेचेगा उस पर कमीशन मिलेगा। इधर क्या है? उधारी पे भी इसको कमीशन मिला, मतलब एक्स्ट्रा कमीशन यू कैन से दैट। इट इज़ कैलकुलेटेड एग्रीड रेट, जो रेट है पहले डिसाइड रहता है, प्री डिसाइड। ये कैलकुलेटेड एग्रीड रेट आइदर ऑन टोटल सेल और क्रेडिट सेल, जितना का माल बेचा कैश या रोकड़ा टोटल मिला के डेल क्रेडिट कमीशन पे किया जाता है राइट। और तुमको ना अगर ये भी जो भी आंसर आया ना कंसाइनमेंट पे, तो एक कंसाइनमेंट का अकाउंट बना देने का तुमको राइट, कंसाइनमेंट का प्रोफॉर्मा बना देने का। तो कंसाइनमेंट का प्रोफॉर्मा कैसा बनेगा तुम्हारा? ये अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा, इधर लिखने का कंसाइनमेंट अकाउंट, अपने सम सॉल्व करेगा,
इधर आता गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, इधर आएगा कैश बैंक मालिक खर्चा करते हैं, इधर क्या आएगा सेल्स आएगा, इधर आएगा एजेंट कमीशन चार्ज करता है ना कंसाइनी का नाम डालेगा। तो ये सब अकाउंट थोड़ा बना के रख देने ताकि थोड़ा बहुत तुमको मार्क्स मिल जाए। तो इसके पे इसके रिलेटेड सम सॉल्व कर दिया, अपलोड कर दिया, तो जब सम भी सॉल्व हो जाएगा तो थ्योरी भी ईजी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।